यदि YouTube पर बिना सर्च किए ये वीडियो आपके सामने से भी गुजर रहा था और आपने क्लिक कर दिया, तब समझ लीजिए आपको चुना गया है परमात्मा की ओर से। आज से आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है, आप सौभाग्यशाली हैं। मुझे जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में यदि आपने सर्च नहीं किया और ये वीडियो आपको आंखों के सामने आ गया। क्या धन की समस्या से जूझ रहे हैं आप और आपका परिवार? क्या गरीबी की मार सह रहे हैं? ये दुख, दरिद्रता, कंगाली और गरीबी, निर्धनता आपके परिवार का पीछा छोड़ती ही नहीं। न घर में किसी को नौकरी है, न जॉब अच्छी चल रही है। कोई भी इच्छा करते हैं आप तो पूरी नहीं होती। कहां से पूरी होगी? कोई भी इच्छा जनरली धन से जुड़ी होती है। बहुत कम इच्छाएं ऐसी होती है जो बिना धन के पूरी हो, वो पारिवारिक मामले होते हैं। लेकिन इस दुनिया में 90% से ज्यादा इच्छाएं धन से पूरी होती है। देखो, परिवार में भी मान सम्मान तभी मिलेगा जब धन अधिक हो आपके पास। क्योंकि कोई बड़ा बन गया ना आपके भाई बहनों में, ज्यादा पैसा कमा लिया, बड़ा डॉक्टर हो गया, विदेश में रहने लगा, तो वो आपको नीचा समझने लगता है, जो कि सगा भाई बहन है। एक थाली में खाना खाकर बड़े हुए आप लोग, लेकिन अब आप क्या हो गया, क्योंकि शादी हो गई सबकी, अब आप गरीब में गिनती होने लगे। वो अमीर बन गया, भूल गए कि सब हम लोग एक घर के हैं, एक माता पिता के संतान है। यही है धन की लीला। तो जब धन इतना आवश्यक है कि अपनों के बीच भी अपनापन धन से आता है, तो चलिए एक ऐसा जादुई उपाय बताती हूँ कि धन की कमी नहीं रहेगी आपको। आप छोटी सी नौकरी करते हैं ना, आप कहेंगे कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, मेरा महीना कैसे चलता है दीदी, आप नहीं जानती, तो ये धन का अंबार कहाँ से लगेगा। तो चलिए, यदि आप 10,000 रुपए कमाते हैं, आज मेरा टारगेट किन लोगों के साथ है जानते? पता है, जो लोग 50 रुपया दिन भर में काम करके कमाते हैं, जो लोग 100 रुपया कमाते हैं, टोटो चला रहे हैं किसी और की टोटो, उनको दिन भर का 200-150 रुपया मिलता है। जो कुछ बेच रहे हैं, छोटी मोटी खाने की चीजें, और बहुत कोई दुकान नहीं है, कोई कार्ट नहीं लगाते हैं, कुछ टोकरी में लेकर दिन भर बेचते हैं और थोड़ा बहुत धन कमाते हैं ना, आज उनको भी टारगेट कर रही हूँ मैं। अमीरों की बात छोड़ दो, जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो करोड़पति है वो अरबपति बनना चाहते, रहने दो। जो 50 रुपये दिन का कमाते हैं, जो 100 रुपये कमाते हैं, जो 500 रुपये दिन भर का कमाते हैं, परिवार में बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं और घर में सबका इलाज भी करवा रहे हैं, आज मैं उनको लेती हूँ। यदि मैं आपको अमीर ना बना दूँ तो कहिए, यदि इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो आज आप यहाँ से कुछ लेकर जरूर जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो भीतर से बाहर तक आपको जागृत करता है, मजबूत बनाता है, समृद्धि देता है। सारे सपने पूरे होंगे, आपके सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, गाड़ी चलाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, खाना पकाते वक्त, महिलाएं बहने भी ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर, कुछ नहीं घटेगा जीवन में कभी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। कैसे चुटकी बजाकर आपकी इच्छा पूरी होगी, कैसे चुटकी बजाकर धन आएगा आपके पास, आज मैं सिखाने जा रही हूँ। यह एक रहस्यमय नंबर है, यह एक जादू है जो आज आप सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। सिर्फ मेरा कहा मानकर 21 दिन कर लेना ये प्रयोग। सिर्फ 21 दिन आप ये प्रयोग करना और कुछ मत करना। रात्रि में जब सोने जाने लगो, देखो शुक्रवार और गुरुवार ये जो दिन होते हैं ना, सोमवार ये जो दिन होते हैं, ये धन को आकर्षित करने वाले दिन होते हैं। तो इन दिनों में आप शुरू कर सकते हैं, या किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, केवल शुक्ल पक्ष हो। आपको चाहिए एक लाल रंग की कलम और एक सफेद पन्ना, कोरा, बिल्कुल साफ सुथरा, फटे चटे कोई टुकड़ा कागज का मत ले आना, अच्छे साफ सुथरे कोई पेज ले लेना एक। आप रात्रि को सोते वक्त हाथ मुंह पैर अच्छे से धोना, जल पी लेना, तौलिया से अच्छा से हाथ मुंह पोछ लेना, बेड पर बैठ जाना, चाहे टेबल कुर्सी पर बैठ जाना। आप इस कागज पर अफर्मेशन लिखोगे, अफर्मेशन लिखोगे 3 बार एक ही इच्छा, यानी कागज पर प्रथम 1 नंबर देना, 2 नंबर देना, 3 नंबर देना, और तीनों लाइन में अपनी एक ही इच्छा लिखना। आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आपका अपना घर हो जाएगा, जमीन का टुकड़ा आपका पड़ा, परंतु बाउंड्री के पैसे नहीं है तो घर क्या बनेंगे। तो चलो, कितने पैसे चाहिए आप लिखो। आपकी दुकान नहीं चलती और आपको लगता है कि इस दुकान में हम 2 लोग बैठते हैं सुबह से शाम तक, इस दुकान की कमाई महीने में कम से कम 50,000 होनी चाहिए, तो लिखो कि मेरी दुकान से मुझे 50,000 रुपये महीना मिल रहा है।
पहली बार लिखा तुमने, दूसरी बार भी वही लिखा तुमने, तीसरे नंबर पर भी तुमने लाल कलम से वही लिखा। उसके बाद तीन बार लिखना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। पहली इच्छा के लिए प्रथम धन्यवाद, दूसरे के लिए दूसरा और तीसरे के लिए तीसरा। इंग्लिश में थैंक यू नहीं लिखना चाहते हो, हिंदी में लिखिए धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तीन बार लिखा आपने। अब नीचे ये जो तुमने इच्छाएं लिख दी, तीन बार थैंक यू लिख दिया, अब सबसे नीचे आपको लिखना है एंजल मैनिफेस्ट एंजल नंबर। इसे कहते हैं विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशन एंजल नंबर 1176। यही वो जादुई नंबर है जो आपके जीवन में सुख सुविधा की बाढ़ ला देगा। यही वो है जो आपके बैंक बैलेंस को 1,00,000 से बढ़ाकर 1,00,00,000 कर देगा। आप मोटे मोटे अक्षर में लिखेंगे 1176। इसको कई बार कलम चला देंगे, मोटे मोटे अक्षर में लिखेंगे। ऊपर आपने तीन बार अफर्मेशन लिखी, अपनी इच्छा को तीन बार लिखा, तीन बार आपने धन्यवाद अर्पण किया। बड़े से मोटे मोटे अक्षर में आपने लिखा एंजल नंबर 1176 और सबसे नीचे अपने इष्ट का नाम लिखिए। आप जिनको मानते हो, आप जिनको पूजते हो, जय श्री राम लिखो, जय महावीर हनुमान जी लिखो, जय श्री कृष्णा लिखो, जय माता दी लिखो। कोई संतोषी माँ को मानते हैं तो कोई गणपति जी को मानते हैं, आप वाहेगुरु को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उस परमात्मा का आप नाम लिखो। क्यों? आपका अटैचमेंट उनसे ज्यादा है। आप जब आसमान की ओर देखते हैं ना, अगर आपके इष्ट हनुमान जी है तो आपको हर समय हनुमानमय ही लगता है वातावरण, ये मुझको मालूम है। आप माता को मानते हैं ना, जय माता दी लिखिए, माता को स्मरण कीजिए। अपने इष्ट का नाम आप सबसे नीचे एंड में लिखिए। जैसे आप माँ को मानते हैं आप लिखेंगे जय माता दी। लीजिए, तैयार हो गई एक ऐसी जादुई कागज जो सब कुछ मिलेगा। रात्रि को आपको इसे लेना है, संपूर्ण पढ़ना है, अपनी इच्छा को तीन बार पढ़ लेना है, धन्यवाद तीन बार अर्पण करना है और इस नंबर को मुंह से बोलना है एंजल नंबर 1176 जय माता दी। समझ गए? इसे चार तह मोड़ेंगे, तकिए के नीचे रख देंगे, सो जाएंगे। सुबह बेड बेड साफ करो, इसे हटा देना, किसी अलमीरे में रख देना। अगली रात को पुनः हाथ पैर मुंह धोना, अपने बेड पर बैठना, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा रखना। इसी पेपर को, नया पेपर नहीं लिखना, इसी पेपर को आपने खोला, फिर तीन बार अपनी इच्छा बोली डीप फीलिंग्स के साथ, तीन बार धन्यवाद अर्पण किया एंजल नंबर 1176 जय माता दी जो आपने लिखा। इसको 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट समय देना, इस पर पढ़ना, विजुलाइज करने की कोशिश करना। आप इसमें समाना, इसे एक कागज का टुकड़ा मत समझना, इसमें समाना, आंखें बंद करना। तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, पैसे मिलने के आसार बनते जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है आपको, आप खुश हैं, आपके परिवार के सदस्य खुश हैं। आप इस चीज को देखने का प्रयास करना। पूरे 21 दिन तक ये करेंगे और 21 दिन के बाद आप इसे जल में बहा देंगे या किसी भी गीली मिट्टी में जहां जल का मात्रा हो, यानी चंद्रमा का सूचक हो, आप इसे दबा देंगे। आप मेरा कहा मानकर इस जादुई नंबर का प्रयोग करके तो देखो, आपने जो लिखा है ना वो प्रथम दिन से 21 डे के अंदर ही पूरा होगा। पैसे संभाल नहीं पाएंगे आप, इतने पैसे आएंगे, चाहे जो भी इच्छा है आपकी, हर इच्छा पूरी होगी। करके देखें और मेरे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।